तो ये करेला ये काम करता है दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है वो है यानी कि आमला तो आमला हम सभी जानते हैं हम सब खाते हैं लेकिन कितना खाना है कितना हमारे शरीर के लिए अच्छा है या कैसे खाना है सूखा खाना है या कच्चा खाना है वो हम लोग नहीं जानते हैं तो न्यूट्रिश ग्लाइसियम टैबलेट में वो सही प्रोपोर्शन में डाला गया है और आंवला जो है रिच इन विटामिन सी हम सभी जानते हैं कि आंवला में बहुत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी जो है वो एक एंटी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है ये हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स को हटाने में ये मदद करता है और फ्री रेडिकल्स आप लोग ये समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल्स जो है वो एक गंदी चीज है हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है और फ्री रेडिकल्स से भी डायबिटीज हो सकता है अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का मात्रा अगर ज्यादा है तो उससे डायबिटीज हो सकता है तो आंवला क्या करता है हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स को हटाने में मदद करता है साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लेस लेवल को कम करने में भी मदद करता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लेस यानी कि जो गंदी फैट्स हमारे शरीर में जमा हो जाता है उसको घटाने में ये मदद करता है ठीक है तो अगल अगला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है Uh, जामुन तो ये ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो काफी कम है तो ग्लाइसमिक इंडेक्स क्या होता है जब भी हम कोई चीज खाते हैं फ्रूट खाते हैं या कुछ भी रोटी या चावल खाते हैं तो कितने तेजी से हमारे रक्त में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है उसको हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं तो जब हम जामुन लेते हैं तब क्या होता है हमारा जो ब्लड में जो अः ग्लूकोज होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है एक ही साथ में बहुत ज्यादा बहुत तेजी गति से नहीं बढ़ता है वो धीरे धीरे बढ़ता है इसलिए ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ठीक okay. है और जामुन जो है ये रक्त शर्करा किस तरह को निरंतर निरंतरित करता है साथ ही साथ इसमें एंटी डायबेटिक है एंटी डायबेटिक प्रॉपर्टीज है जो डायबिटीज से बचने के लिए मदद करता है अगला इनग्रीडियंट जो है वो है टेरोकार्पस मार्सुपियम तो टेरोकार्पस मार्सुपियम जो है इसमें बायो एक्टिव है जो रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी है ठीक है और क्या है इसमें एगले मर्मोलस एगले मर्मोलस यानी कि बेल फल तो बेल फल वो तो सीजनल फ्रूट है हम सभी जानते हैं और हम लोग लेते भी हैं बेल कैसे लेते हैं उसका जूस निकाल करके उसमें बहुत ज्यादा शक्कर या शक्कर मिलाते हैं नमक मिलाते हैं उसको ऐसे लेते हैं तो वैसे लेने से कुछ फायदा नहीं है ठीक है तो आ, उसको लेना सही तरीके से लेना चाहिए तभी वो आपके शरीर में वो अः आएगा काम करेगा तो क्या फायदे है इसके बेल फल का क्या फायदा है ये रक्त शर्करा को रक्त शर्करा की मात्रा को निरंतर करने में मदद करता है और भोजन के बाद जो ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है उसको रोकने में ये मदद करता है वो तेजी से बढ़ने नहीं देता है खाना खाने के बाद क्या होता है हमारा शुगर लेवल बहुत जल्दी से तेजी से बढ़ता है जब भी हम लोग कुछ मीठा चीज खाते हैं तब तो और भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है इसलिए जो एथलीट है जो खेलकूद करते हैं उनको क्या करते हैं जब थक जाते हैं उनको ग्लूकोज पानी पिलाते हैं क्योंकि जब हम ग्लूकोज पानी पिलाएंगे तब क्या होगा उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तुरंत बढ़ेगा और उनको क्या देगा एनर्जी मिलेगी ऊर्जा मिलेगी तो बेल फल क्या करता है भोजन लेने के बाद भोजन खाने के बाद जो ग्लूकोज का स्तर जो तेजी से बढ़ता है उसको कम करने में ये मदद करता है इसमें हाइपोग्लाइसेमिक गुण भी है जो इंसुलिन की तरह काम करता है तो बहुत सारे फायदे हैं तो टोटल इसमें बारह वंडरफुल इंग्रेडिएंट्स है न्यूट्रोच ग्लाइसिम टेबलेट में और जैसे ग्लाइब्रा है है तो फिर गुरमार है आम भाषा में जैसे हम गुड़मार करते हैं जिन जिनमें सिल्वेस्टर तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैग्निफिरा इंडिका है यानी कि आम आम का जो साइंटिफिक नेम है वो मैग्निफिरा इंडिका बोलते हैं हम लोग इसमें आम के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है ठीक है और क्या है इसमें पाइपर नाइग्रम है यानी कि ब्लैक पेपर फिर पाइपर लॉन्गम है जो कि लॉन्ग पेपर के नाम से जाने जाते हैं जिंजीवियर ऑफिशियली है जो कि आम भाषा में अदरक के नाम से जानते हैं तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है ये को, फिर आइए देखते हैं जो न्यूट्रिचस ग्लाइसियम प्रोडाइट है उसमें कौन से कौन से इंग्रेडिएंट्स है तो ऑलरेडी हमने बारह इंग्रेडिएंट्स हमें पता चला कि वो न्यूट्रिचस ग्लाइसियम टैबलेट में है और न्यूट्रिचस ग्लाइसियम प्रोडाइट में तीन और भी इनग्रीडियंट uh, इसमें डाला गया हर्ब्स इसमें डाला गया है तो सबसे पहले इसमें क्या है न्यूट्रिश ग्लाइसिन प्रोडाइट में है आइसोलेट सोय प्रोटीन इसमें आइसोलेट सोय प्रोटीन डाला गया है क्योंकि क्यों प्रोटीन हमें चाहिए डायबिटिक लोगों को क्यों प्रोटीन चाहिए क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो डायबिटिक होते हैं उनका मसल लॉस होने लगता है कि जब उनको पता चलता है कि वो डायबिटीज है डायबिटीज हुआ है तो क्या होता है उनको बहुत सारे खाने पीने में रोकथाम लग जाती है ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है डॉक्टर ने ये मना कर दिया तो उससे क्या होता है एक तो स्ट्रेस बढ़ता है साथ ही साथ वो तो जो खाने पीने का जो रोकथाम लगा है उसके वजह से उनका मसल्स लॉस होने लगता है ठीक है इसीलिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है ताकि जो भी डायबिटिक लोग हैं उनका मसल्स जो है वो बने रहे थीके? मसल्स को मजबूत करने के लिए और लिप्रीट प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए भी सोय प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है अगला और uh, दा, कौन से प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज के न्यूट्रीचार्ज एस एन एफ में भी कंबोजिया डाला गया है तो ग्लाइसिन कंबोजिया क्या काम करता है फैट के जमाव को कम करता है और फैट को बर्न होने में ये मदद करता है यानी कि आपका वजन कम होने में आपका फैट लॉस होने में ये मदद करेगा और इसमें जो प्रोटीन है आइसोलेट्स और प्रोटीन है वो क्या करेगा वो मसल्स को बढ़ाने में मदद करेगा ठीक है और क्या है इसमें सिनेमल यानी कि दालचीनी इसमें दालचीनी भी डाला गया है और हम हमें पता है कि दालचीनी जो है वो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में ये मदद करता है साथ ही साथ इसमें डाला गया है डाइटरी फाइबर ठीक है इसमें डाइटरी फाइबर डाला गया है जो क्या करता है ग्लूकोज के अवशोषण को घटाता है फिर हमारे शरीर में से फैट कम करने के लिए वजन कम करने के लिए काम करता है फैट और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है ठीक है और क्या करता है डाइट्री फाइबर जो है हमें हमारी भूख कम करती है हमें भूख लगने में थोड़ा सा मतलब देरी करता है तुरंत भूख नहीं लगता है अगर हम लोग डाइट्री फाइबर लेते हैं और मोटे लोग जो है जिनका वजन ज्यादा है उनका वजन कम करने में ये मदद करता है पाचन में ये सुधार लाता है कुछ भी अगर हम लोग खाते हैं तो उसको उसका अच्छे से पाचन हो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है ब्लड शुगर के स्तर को ये नियंत्रण करता है कंट्रोल करता है ठीक है और आहार से ये तृप्ति देता है तो ये काम है डायट्री फाइबर का और क्या है इसमें न्यूट्रीच ग्सियम प्रोडाइट में कॉफी रियल कॉफी भी इसमें डाला गया है तो कॉफी का क्या काम है ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में यह मदद करता है फिर टाइप टू डायबिटीज के जोखिम को घटाने में भी ये मदद करता है तो काफी सारे पॉइंट काफी सारे फायदे हैं इसके ठीक है साथ ही साथ इसमें दो तरह के एंजाइम्स भी डाले गए हैं वो है प्रोटीज और लेक्टीज तो प्रोटीज़ जो है वो प्रोटीन के अवशोषण में प्रोटीन के ब्रेकडाउन में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में काम करता है और लेक्टेस जो है वो मिल्क के दूध के मेटाबॉलिज्म में दूध के अवशोषण में मदद करता है ठीक है तो ये है न्यूट्रिशन ग्लाइसिंग प्रोडाइट के इंग्रेडिएंट्स चलिए अभी देखते हैं किफायती दाम में उचित गुणवत्ता तो यहां स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसियम ग्लाइसम के साथ हमने दो अलग अलग कंपनियों के ये इसके साथ हमने कंपेयर किया है दो अलग अलग कंपनियों का देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट है तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम में क्या है पंद्रह बोटोनिकल्स है ठीक है टोटल पंद्रह बारह जो है वो तो टेबलेट में है और तीन किसमें है प्रोडाइट में जो ग्लाइसम प्रोडाइट है उसमें तीन तरह के यानी कि कुल मिला के है। और बाकी दो जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख सकते हैं काफी कम बॉटनिकल्स है एक में बस चार है दूसरे में बस तीन बोटेनिकल्स है और इन दोनों में ना ही कोई प्रोटीन है ना ही कोई एंजाइम्स है ना ही कोई डाइटरी फाइबर है और हम अपना न्यूट्रिचर्ज ग्लाइसेम को अगर देखते हैं तो उसमें 12 न्यूट्रिचर्ज ग्लाइसेम टेबलेट में 12 तरीके के बॉटनिकल्स हैं तीन तरह है के के बॉटनिकल्स ग्लाइसेम प्रोडक्ट में है और एक स्कूप अगर हम लोग एक स्कूप न्यूट्रिचर्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट लेते हैं उससे हमें लगभग 13 ग्राम प्रोटीन मिलती है ठीक है और इसमें एंजाइम्स डाले गए हैं प्रोटीज और लैक्टेज और दस परसेंट डायट्री फाइबर भी इसमें है जो कि न्यूट्रिएंट्स के पौष्टिक तत्व के अवशोषण में मदद करता है तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा न्यूट्रोचार्ज ग्लाइसियम जो है वो बाकी सारे ब्रांड से काफी बेहतर है बहुत अच्छा है नंबर वन है ठीक है तो आइए चलिए एक में वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूंगी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं हो गया आई थिंक uh, मेरे डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सॉरी मैं आप लोग को वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी कुछ हैंग uh, हो गया है तो इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करना चाहूंगी आई होप आप लोगों को न्यूट्रिचेस्ट ग्लाइसिन के बारे में आ, मैंने जो भी बताया वो आपको यूजफुल लगा है आपने नोट डाउन किया है और जब भी आप पिल में ग्लूकोमीटर से आ, ब्लड ग्लूकोज का पता लगाएंगे तो उनको आप लोग न्यूट्रीच ग्लाइसन के बारे में जरूर बताएंगे